हाय फ्रेंड्स, मनाली टेस्टी टेस्टी फूड में आप सभी को रंजना का सादर प्रणाम। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झारखंड की बहुत ही स्पेशल एक डिश दुस्का, और उसके साथ मैं बनाऊंगी चटपटी सी सब्जी। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरा अरवा राइस। आपके घर में जो भी राइस है अरवा, चाहे वो खिचड़ी की हो, खीर वाली हो, कोई भी ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। और यहाँ मैंने 1 कटोरा लिया है बिना छिलके वाले उड़द की दाल, और 1/2 कटोरी लिया है चने की दाल। और इन सबों को मैं 5-6 घंटे यहाँ में पानी में भिगो करके रखी थी, और इसको फिर अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे पेस्ट करूँगी फाइन, और इसमें मैं 5-6 हरी मिर्च, यहाँ मैं टुकड़ा अदरक का ले रही हूँ 2 टुकड़ा, और 7 से 8 यहाँ मैं ले रही हूँ काली मिर्च। तो इन सबों को लेकर मैं बहुत ही कम पानी डाल करके एक पेस्ट रेडी करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एकदम फाइन पेस्ट मैंने रेडी कर दिया है, और अब इसको मैं रख दूँगी कम से कम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए। और तब तक मैं यहाँ मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ में कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए, मसाला रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं 10-12 कली लहसुन के ली हूँ, अदरक ले रही हूँ, 1 बड़ा सा प्याज को मैं रफली काट कर ले रही हूँ, 4 हरी मिर्च, और यहाँ 2 टमाटो ले रही हूँ। अब मैं तेल डाल रही हूँ, करीब 4 चम्मच डालूंगी। एक अभी इसमें डाला तेज पत्ते, और 2 सूखी लाल मिर्च। थोड़ी अच्छे से ये जब चटक जाएंगे तब फिर मैं 2 इसमें ओनियन बारीक काट के डालूंगी। इसमें मैं पंचफूटन डाल रही हूँ, और 2 ओनियन को लंबे पतले पतले काट के लिया है। प्याज लाल हो चुकी है, अब इसमें मैं पेस्ट डाल दे रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर। इसे मैंने पहले से गरम करके और उसका फिर पाउडर बना के लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, सोंठ पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। हल्दी डाल रही हूँ, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 आलू को अच्छे से छील करके काट करके लिया है, और मसाले भुने हुए मसाले में डालूंगी। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ स्वादानुसार, करीब 1 छोटी चम्मच डाला है। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, 1 गिलास डाल रही हूँ, और इसको मैं 2 व्हिसल आने तक मैं रखूँगी। अब ढक्कन मैं बंद करती हूँ। चावल दाल के बैटर में अब मैं डाल रही हूँ खड़ा जीरा 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च के पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी 1/2 छोटी चम्मच, और नमक 1/2 चम्मच लिया है,
तो इसलिए मैं यहाँ 1.5 चम्मच ले रही हूँ। और अब इसमें चाट पाउडर डाल रही हूँ थोड़ी सी, इससे बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। और सबको अच्छे से मैं मिला लूँगी, एक डायरेक्शन करके मुझे फेंटना है। ऐसे मुझे अच्छे से 5 से 7 मिनट मैं फेंटूँगी ताकि हमारे जो भुस्का है सॉफ्ट सॉफ्ट से बने। इसमें कोई हम सोडा या इनो नहीं यूज़ करेंगे। आप लोग इसको ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों के टिफ़िन में देंगे या ऑफिस के लंच बॉक्स में, बहुत ही पसंद से खाएंगे। अब तेल गरम हो चुकी है और कलछी से ऐसे छोटी छोटी से मैं बनाते जाऊंगी। देखिए एक तरफ से हल्की लाल होने के बाद मैं इसको पलट दूंगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है और कितने अच्छे से फूली है। तो इसी तरह से और एक मैं इधर साइड करके डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छे से फूल रही है, एकदम बनाना आसान है। आप लोग एकदम आराम से इसे बना सकते हैं। एक तरफ से हल्का लाल होने के बाद ही पलटे। एक तरफ से साइड करूंगी और फिर मैं दूंगी। इस तरह से आप लोग 2-3 करके भी बना सकते हैं। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है इसलिए मैं 2-2 करके बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स चटपटी सी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला और थोड़ी सी मैं डालूंगी रोस्ट करके कसूरी मेथी, इससे और भी अच्छे टेस्ट आएंगे। रोस्ट करके आप जरूर डालें कसूरी मेथी। और अब डालूंगी धनिया पत्तियां। बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। हल्की इसमें कड़ी रहना चाहिए। कितनी टेस्टी दिख रही है, कितनी अच्छी रंगत आई है। मैं सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैंने लाल चने और आलू की भी एक सब्जी बनाया था। अब देखिए भुस्का तैयार हो चुकी है और कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट से बनी है। देखिए फ्रेंड्स एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये। आप लोग ज़रूर अपने घरों में बनाएं और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। फ्रेंड्स आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स इस बार मैंने कुछ देर से वीडियो बनाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, और अब से मैं हर रोज़ एक एक रेसिपी लेके फिर से आऊँगी। इसलिए बने रहिएगा मेरे चैनल में और पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।